हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मावा बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें केवल दो चीज़ों की ही ज़रूरत है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई को सबसे पहले धो लेना है फ्रेंड्स, और या फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद अब हम इसमें 1 लीटर के करीब दूध डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि दूध जो है वो कढ़ाई के तले में नहीं चिपकेगा। हमें सबसे पहले मावा बनाना है, तो क्योंकि हमें मावा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मावा बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। अब यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है फ्रेंड्स। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसे इस तरह से स्पैटूला से चला लेंगे, और कढ़ाई के तले तक, जो स्पैटूला है उसे कढ़ाई के तले तक ले जाते हुए चलाना है, ताकि कढ़ाई के तले में दूध ना लगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध आधा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध पहले से आधा हो गया, हाफ हो गया है। उसके बाद इसे अच्छे से चलाना है, और कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से मावा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से मावा बना लिया है। इसके बाद हम इसमें 5 से 6 चम्मच के बराबर चीनी डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, अपने मिठास के अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी पिघलती है। उसके बाद फिर से ये गाढ़ा हो जाएगा। हम इस कंटिन्यू इस स्टेज पे इसे चलाते रहेंगे, ताकि जो मावा है वो कढ़ाई के तले में ना लगे, वरना फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। और इसके बाद यहाँ पे चीनी अच्छे से पूरा पिघल गया है, और ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया है। और यहाँ पे मैंने बर्फी को सेट करने के लिए इस तरह का डब्बा लिया है, अगर आप, और इसमें फॉइल पेपर मैंने लगा लिया है। अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो उसमें पहले आप घी लगा के ग्रीस कर लें। उसके बाद अब हम बर्फी को इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से बर्फी को सेट कर लेना है। उसके बाद अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम सबसे पहले फॉइल पेपर को हटा लेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देती हूँ। आप चाहे तो इसमें काजू या फिर पिस्ता डाल सकते हैं। आप जिस समय बर्फी को सेट कर रहे होंगे उसी टाइम उसके ऊपर आप काजू या फिर पिस्ता डाल सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसे कट करती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स, आप इसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है वैसा। और ये हमारी घर की बनी प्योर मावा बर्फी बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, और मावा बर्फी तो सभी को बहुत पसंद होती है, और इसका टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया आया है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।